धरने पर बैठे ये लोग दून मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मचारी हैं। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण ये संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई करने का मन भी बना लिया है। आपको बता दें कि इन संविदा कर्मचारियों को 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। इनमें से 31 कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में खत्म हो गया है, लेकिन प्रशासन के कार्य विस्तार के आश्वासन के बाद ये कर्मचारी लगातार काम कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो संविदा कर्मचारी जो अपॉइंट किए गए थे, उसमें से कर्मचारी लोग जो स्ट्राइक में चले गए। उनकी मांग है कि उनको काफ़ी समय से वेतन नहीं मिला है, उससे क्योंकि उसमें से अधिकतर कर्मचारी जो हैं, क्योंकि इस टाइम डेंगू फैला हुआ, डेंगू यानी लैब से रिलेटेड काफ़ी कम कर्मचारी हैं और विभाग से ज़्यादा हैं। तो अभी डेंगू को देखते हुए उसकी व्यवस्था तो हम लोगों ने प्रॉपर कर ली है, कुछ स्टाफ मेडिकल कॉलेज से और फीमेल हॉस्पिटल से मंगा लिया है। हम लोग 57 लोग हैं जो डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे काम करते हैं, पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था या फिर नियुक्ति होने तक का जो भी था, तो हम लोग का फरवरी में 31 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो उनको एक्सटेंशन के लिए कार्रवाई प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि हमने भेजा हुआ है, और यहाँ से डायरेक्टरेट से हमने पूछा तो वो भी कहते हैं फाइल अभी शासन में है, लेकिन ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। तो 6 महीने से हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, लेकिन मेन दिक्कत हमारी ये है अभी कि 6 महीने से हमें काम करने के एवज में कोई वेतन अभी तक का दिया नहीं गया है। एक तरफ देहरादून डेंगू की गिरफ्त में है, जिले में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर भी पड़ रहा है। देहरादून से R9 TV के लिए प्रतीक की रिपोर्ट।